शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं ना तो आप पर आक्रमण करूंगा और ना ही आपके आक्रमण का उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं यहां आपसे युद्ध करने नहीं, आपसे सहायता प्राप्त करने आया हूं। इसलिए या तो आप मेरा अंत कर दीजिए या मेरा आग्रह सुनने की कृपा कीजिए। विचित्र वानर, कौन हो तुम, क्या हो तुम? अभी कुछ समय पूर्व बड़ी दक्षता से तुम अपनी रक्षा कर रहे थे, किंतु अब अकस्मात ही संपूर्ण समर्पण कर दिए। चंचल और अस्थिर प्रवृत्ति होती है वानर की, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ये मैंने सुना था, किंतु अब तुमने इसे प्रमाणित कर दिया है। कहो, क्या चाहते हो तुम? मेरी निद्रा भंग कर मेरे विश्राम में विघ्न डालने का दुस्साहस क्यों किया है तुमने? आपकी निद्रा भंग करने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। मैं प्रभु श्री राम का एक सेवक हूं। प्रभु श्री राम को शतानंद के वध की आवश्यकता है। उनके इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। राम? कौन राम? क्यों सहायता करूं मैं तुम्हारे राम की? हे नागराज वासुकी जी, प्रभु श्री राम वही हैं जिन्होंने शिव धनुष को उठाकर लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता का वरण किया। श्री राम वही हैं जिन्होंने ताड़का का वध किया और एकाकी ही खरदूषण जैसे राक्षसों का, उनकी आसुरी सेना सहित उन सब का संहार किया। श्री राम वही हैं जिन्होंने रावण का वध कर धरती को उसके अधर्म से मुक्त किया। श्री राम वही हैं जिन्होंने इस समय भी इस जगत को पाप से मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लोनर, मेरे इन अस्त्रों को रोक कर दिखाओ। तुम्हारा अंत करूंगा मैं। तुम्हारा विश्वास मैं क्यों करूं? तुम मायावी हो, असाधारण वानर हो तुम, क्योंकि कोई भी साधारण वानर किसी भी प्रकार से कभी भी इस लोक तक नहीं पहुंच सकता है। उसका यहां तक पहुंचना संभव है। मैं तो प्रभु की महिमा से ही यहां तक पहुंचने में सक्षम हुआ हूं। मिथ्या संवाद मत करो, तुम अपने ही किसी माया द्वारा यहां तक पहुंचे हो। राम नाम का कोई नहीं है इस संसार में। हे महापराक्रमी नागराज वासुकी जी, आप एक दीर्घ निद्रा के उपरांत उठे हैं, इसलिए आप प्रभु श्री नारायण के नर अवतार प्रभु श्री राम के नाम से परिचित नहीं हैं। परंतु यदि अब भी आपको
मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं स्वयं अपने कंधों पर उठाकर आपको प्रभु श्री राम के पास ले चलता हूँ, जिसे कि आप स्वयं अपने नेत्रों से मेरे प्रभु श्री राम की महिमा देख सकें। तुम ले जा सकोगे मुझे? तुम नन्हे से वानर, लगता है तुम गहन निद्रा में स्वप्न देख रहे हो जो मुझे यहाँ से ले जाने की बात सोच रहे हो। क्या है तुम्हें? मेरे कारण प्रभु नारायण के वाहन गरुड़ की क्या दुर्दशा हुई थी? परंतु पक्षीराज, गरुड़ तो महाशक्तिशाली हैं। हाँ, शक्तिशाली अवश्य है वो, किंतु उनकी समस्त शक्ति मेरे समक्ष विवशता में परिवर्तित हो गई थी। जब समुद्र मंथन के समय देवताओं के आग्रह पर जब वो यहाँ मुझे लेने आए ताकि समुद्र को मथने में मैं उनकी सहायता कर सकूं, यहाँ आने पर मैंने उनसे पूछा कि क्या वो मुझे ले जा सकेंगे, तो अभिमानी गरुड़ ने उत्तर दिया, क्यों नहीं ले जा सकूंगा आपको, स्वयं प्रभु श्री नारायण को अपने पृष्ठ पर उठाने में सक्षम हूँ मैं, फिर आप तो मेरे लिए एक साधारण जल सर्प के समान ही हैं। ओ पक्षीराज गरुड़, आज आप अपने संपूर्ण बल का प्रयोग करके देख लीजिए। उचित है। उसके बाद अभिमानी गरुड़ मुझे अपने ऊपर उठाने के कई प्रयास करने लगा, अपनी पूरी शक्ति लगा दी उसने, किंतु वो मुझे मेरे स्थान से डिगा भी नहीं पाया। फिर मुझे अपने साथ ले जाने के प्रयास में गरुड़ अनेक चेष्टाएं करता रहा और अंततः मेरी पूंछ में उलझ कर रह गया और मेरे बढ़ते हार को संभालने के प्रयास में गरुड़ अपना संतुलन खो बैठे और गिर पड़े। जब पक्षी राज गरुड़ श्री नारायण के वाहन होकर मुझे नहीं ले जा सके तो तुम जैसा तुच्छ और शुद्र वानर मुझे कैसे ले जा पाएगा? मैं एक तुच्छ क्षुद्र वानर ही सही, परंतु आप इस तुच्छ राम भक्त को भी एक अवसर दीजिए नागराज वासुकी जी। क्यों अपनी दुर्दशा कराने पर तुले हुए हो और मेरा समय भी नष्ट कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, अन्यथा मैं तुम्हें अपनी पूंछ में बांध कर सात लोगों के पार फेंक दूंगा। भाभी माँ, संकट बढ़ता जा रहा है, आपसे अनुरोध करता हूँ आप गुफा के सुरक्षित क्षेत्र में चली जाइए। अब मैं देखता हूँ तुम इस शतानन को कैसे रोकते हो। ठीक है, तो फिर यही उचित रहा। यदि आप मुझे यहां से उठाकर फेंक सके तो मैं बिना एक शब्द बोले यहां से लौट जाऊंगा, परंतु यदि आप मुझे हिला भी ना पाए तो अवश्य ही आपको मेरी सहायता करनी होगी। क्या मुझे कोई भ्रम हुआ है या फिर मेरे कानों ने वही सुना है जो तुमने कहा है? कदाचित तुम परिहास कर रहे हो, यदि नहीं तो तुम्हारी बुद्धि तुम्हें भ्रमित कर रही है। तुम वास्तव में अद्भुत हो वानर, और तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है, किंतु मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि पुनर्विचार कर लो, यदि मैंने तुम्हें यहाँ से फेंका तो तुम्हारा जीवित रह पाना कठिन है। क्या तुम इस परिणाम के लिए तैयार हो? जब प्रभु श्री राम का आशीष है मेरे साथ तो फिर भय का क्या काम?
मैं तैयार हूं। शैतान इन चमगादड़ों की परछाई में सुरक्षित होकर आगे बढ़ रहा है। बाणों का लक्ष्य मैं नहीं, मेरे ऊपर मंडराते चमगादड़ हैं। इनकी परछाई हट गई तो अनर्थ हो जाएगा। श्री राम। मुझे किसी भी प्रकार अतिशीघ्र लौटने का उपाय करना चाहिए, जिससे समय रहते वहां किसी भी अनिष्टकारी घटना के घटित होने के पूर्व ही मैं वहां पहुंच जाऊं। जय श्री राम। देह का आकार बढ़ा रहा है। मेरा अनुमान सत्य ही था, ये निश्चित ही कोई मायावी वानर है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इन चमगादड़ों को रोको वानर वीरों। अब अंतिम श्वासें गिन लो अपनी शतानन, शीघ्र ही तुम्हारा अंत होने वाला है। वार करो, प्रहार करो इस पे। तुम्हारे प्रतिरूपों की भांति ही तुम भी धूल में मिलने वाले हो शतानन रावण। प्रभु, प्रभु रक्षा करें प्रभु। ये चमगादड़ विचित्र ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। प्रभु रक्षा करें प्रभु। हाँ प्रभु रक्षा करें। प्रभु
यह असंख्य ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। इनकी ध्वनि तरंगें आहत कर रही हैं। बचो इनसे, इन्हें रोकने का कोई उपाय बताइए प्रभु। इन चमगादड़ों को रोकना ही होगा मुझे। आओ दुष्ट, तुम्हारा अंत करूंगा मैं। अंत तो शतारण करेगा तुम्हारा। और अंत होगा उस सीता का भी, जिसके कारण मेरे भ्राता रावण का वध हुआ था। बस बहुत हो गया, अब इस वानर को अपना वास्तविक रूप दिखाना ही होगा। जय श्री राम। अन्यथा ये मुझसे यूं ही घृणा करता रहेगा। जय श्री राम। 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 अब मुझे गुफा में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम सबको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इस दुष्ट पर प्रहार करूं भी तो कैसे? यदि मैंने कोई भी विध्वंसक अस्त्र का प्रयोग किया तो भाभी माँ को कष्ट पहुंच सकता है। मैं क्या करूं? कैसे रोकूं इस दुष्ट शतानंद को भाभी माँ को कष्ट पहुंचाने से? के जीवन में विकट और परीक्षा की घड़ी आती है, परंतु यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार सूझबूझ से उसका सामना करता है।